आज की वीडियो में अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के कुछ पांच टिप्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप डेली बेसिस पे इन पांच टिप्स को डेली बेसिस पे प्रयोग करते हैं, इनको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो आपका राइटिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और आप पहले से बेहतर अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधार पाएंगे। तो आइए बात करते हैं ये पांच कौन कौन सी टिप्स हैं जिनको आप अपनी डेली रूटीन में लाकर आप अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए जानते हैं, नंबर 1 जो है राइट डेली डायरी। आपको डेली अपनी राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए डेली आपको डायरी लिखनी है, और डायरी में आपको डेली लिखनी है, डेली आपके आपको जो भी चीज़ें अपनी करनी है, डेली रूटीन आपको करने हैं, जो आपने पूरे दिन में जो काम किया है वो आप लिख सकते हैं, जो आपको अगले दिन करना है उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं, ये सब आप डायरी में मेंटेन कर सकते हैं। डेली डायरी लिखें जरूर, डायरी को अपने साथ जरूर रखें और इसको डेली बेसिस पे अपडेट करें जरूर, ये आपको करना है। नंबर 2, रीड डेली न्यूज़पेपर एंड राइट डिफिकल्ट वर्ड। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और साथ ही उसमें से जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिखता है उसको नोट डाउन कर लें और अपनी डायरी में उसको नोट कर लें, ये आपको डेली बेसिस पे करना है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को वहाँ पे देखते रहें और उनको नोट डाउन करते रहें। एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास इन सारे वर्ड्स की अपनी एक बुक होगी, अपनी एक डिक्शनरी होगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी लाइफ में आगे। ठीक है, नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यूज इंग्लिश इन व्हाट्सएप एंड मैसेजिंग। मतलब इंग्लिश का आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है, जहाँ भी आपको राइटिंग में कुछ लिखना है इंग्लिश का प्रयोग करें। आपको व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ लिखना है तो वहाँ भी इंग्लिश का प्रयोग करें, मैसेज वगैरह में भी इंग्लिश का प्रयोग करें, मेल राइटिंग का प्रयोग करें, आपको मैक्सिमम इंग्लिश का प्रयोग करना है फ्रेंड्स। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो रीड डिक्शनरी एंड राइट दी न्यू वर्ड्स। आपको डेली बेसिस पे डिक्शनरी रीड करनी है, डिक्शनरी पढ़नी है और वहाँ से आपको नए नए वर्ड्स फाइंड करने हैं और उनको लिख लेना है डेली बेसिस पे। ये आपको प्रक्रिया करनी है, आपको डेली बेसिस पे नए नए वर्ड्स वहाँ से फाइंड आउट करने हैं और इनको अपने पास में लिख लेना है एक डायरी में, ये भी आपको डेली बेसिस पे करना है। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको। आपको डेली कम ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, इसको आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, डेली आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, 1 महीने तक कीजिए।